मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे, आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पेयजल संकट पर जूली ने कहा कि प्रदेश में आरसीपी योजना पर कार्य चल रहा है, राजस्थान के 25 सांसद दिल्ली में मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अजमेर व जयपुर की सभा में ईआरसीपी की घोषणा की, लेकिन उसे लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पेंशन स्कीम, सिलेंडर व फ्री बिजली की बेहतर योजना हो या नए कॉलेज, हॉस्पिटल, तहसील, उप तहसील, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बनी हो, इनका लोगों को सीधा फायदा होगा। प्रदेश में लगातार नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख तो वहीं दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख तक की गई है, जिन्हें जनता ने सराहा है, जिसके चलते कांग्रेस सरकार दोबारा राजस्थान में मजबूती से रिपीट होगी। पानी के लिए ईआरसीपी का काम चल रहा है, हमारे 25 सांसद वहां मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। दिल्ली के अंदर 13 जिलों का इतनी बड़ी योजना है पानी के अंदर, हम हर बार बोरिंग करा रहे हैं, अलवर की स्कीमें करा रहे हैं, लेकिन वो बार बार फैल हो रही है क्योंकि जमीन के नीचे पानी लगातार नीचे जाता जा रहा है। आज सरकारी बोरिंग ही नहीं, किसान का बोरिंग भी सूख रहा है। वो किसान अपनी 2-3 साल में जो कमाई करता है वो वापस फिर बोरिंग में लगा देता है। ये तो भारत सरकार जब मोदी जी घोषणा कर गए दो बार अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर, और आज ईआरसीपी को लागू नहीं कर रहे, ये तो बहुत गलत बात है। क्या लगता है आपको रिपीट हो पाएगी? 100% सरकार वापस आएगी, जनता के लिए जो फैसले किए हैं पेंशन के, गैस सिलेंडर के। आज आप ये देखिए इन 5 सालों में जितने कॉलेज, जितने हॉस्पिटल, जितने उप तहसील, तहसील, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, ये जो काम हुए हैं जिसका फायदा हम जनता को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया है, दुर्घटना बीमा 10 लाख का कर दिया है, ऐसे निर्णय आज तक किसी ने राजस्थान तो क्या हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लिए जैसे निर्णय अशोक गहलोत।